कटिहार जिले के डनखोरा प्रखंड अंतर्गत द्वासे पंचायत के वार्ड नंबर 4 के मुख्य सड़क पर जल जमाव का समस्या बनी हुई है। इसको लेकर ग्रामीण में आक्रोश देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि आवाजाही में छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होता है। लोगों ने कहा कि इस समस्या की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और जिला पार्षद को दी जाने के बाद भी अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। पंचायत के उप मुखिया और ग्रामीणों का कहना यह है कि जल्द से जल्द सड़क का उच्चीकरण या सड़क साइड नाली का निर्माण किए जाने से जल जमाव की समस्या से निजात मिल सकेगा। खबर मुजाबिर आलम के साथ गुफरान आलम की खास खबर। जल जमाव का जो मीटर है हम लोगों को 3-4 से आते आ रहा है। मेन बात है कि यहाँ जगह का कंटेस्टेड है तो नाली भी नहीं बन सकता है। हम लोग जिला पदाधिकारी से भी बात किए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किए हैं, यहाँ के सारा मतलब जितना भी जनप्रतिनिधि है सबसे बात किए हैं। हम लोगों पंचायत का अध्यक्ष माननीय श्री मुखिया जी नौसाबा खातून से भी बात किए हैं। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए हुए हैं कि बहुत जल्द इसको उच्चीकरण किया जाएगा। तो हम लोगों का आवाज़ यह है, आने जाने में खास करके छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में बहुत समस्या होती है, इसके लिए हम सब ग्रामीण बहुत परेशान हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द निदान हो, इसी समस्या को लेकर हम लोग आगे भी मतलब हमको लगता है कि एक साल से बात करते आ रहे हैं, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आके देखे हैं, खुद आके देखे हैं यहाँ के जल जमाव को। उन्होंने बात की है कि बहुत जल्द इसका निदान करवाएंगे, हम लोगों को आश्वासन दिए हैं काम हो जाएगा। मेरा नाम है मनोज कुमार मंडल, उप मुखिया द्वारा। कितना पानी है? कम से कम 1000 घर है भीतर, बाहर में हो सकता है, शाम में जाता है, रात भर पाइप, मेन रोड पूरा पैक है, सामने में है।